ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा इफ फॉर्मूले। चलिए इफ फॉर्मूले पे हम करते हैं, डेस्कटॉप ड्रॉपबॉक्स। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे जो जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यहाँ पे है कि मुझे यहाँ पे जितने भी नंबर है जस्ट नंबर को चेकआउट करना है कि सारे नंबर मोर देन 50 है नहीं है, जस्ट चेकआउट करना है। तो जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर बताया, तो वैसे ही हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटरों को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे करें, तो यहां पे जस्ट सिलेक्ट करेंगे दैट ग्रेटर देन 50, एंटर मारिए, ट्रू एंड फॉल्स में आपका रिजल्ट आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। इफ फॉर्मूले कब लगाते हैं, जब मुझे ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे अपना कोई रिजल्ट जो है अपीयर करना होता है। मैं चाहता हूं कि अगर ट्रू हुआ तो वाई आए, फॉल्स हुआ तो एन आए, तो उस केस में हम इफ यूज करेंगे। तो इफ जो लगाते हैं हम यहां पे, वो करते हैं कि इक्वल इफ, अगर सिलेक्ट किया तो ट्रू हो, वरना ऐसा, अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद ट्रू हो तो यहां पे यस आए, वरना नो आए। इफ यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अलग लगाने की जरूरत नहीं, हम इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहां पे यस आए, नहीं तो नो आए, सिलेक्ट करके एंटर मारा और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। क्लियर है? और इफ ही नहीं, जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको इक्वल से लगाएंगे या फिर हम उसको स्पेस प्लस से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल से जब लगाते हैं इफ फॉर्मूला, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला का लिस्ट हमें आता है। अब जो फॉर्मूला आपको लगाना है उसको एरो की से सिलेक्ट कर सकते हो और टैब मारोगे तो वहीं पे अप्लाई हो जाएगा। जो फॉर्मूला टाइप करते नीचे जो है आपके पास जो है ये आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, उसको बोलते हैं सेंटेक्स, मतलब कितने इनपुट डालने हैं, हर एक इनपुट कॉमा करके डालते हैं हम। तो इसमें तीन है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट पे हम खाए तो ट्रू फॉल्स लिखेंगे या फिर लॉजिकल ऑपरेशन देंगे। ओके, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स। तो एक चीज गौर कीजिए कि लॉजिकल टेस्ट क्या है, यहां पे नॉर्मल है, लेकिन जो बाकी जो चीजें दिख रहे हो बड़ी ब्रैकेट में। तो किसी भी फॉर्मूले का सिंटैक्स अगर बड़ी ब्रैकेट में आता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो बड़ी ब्रैकेट में आ रहा है वो आपका ऑप्शनल है। ठीक है, रिक्वायर नहीं है, ऑप्शनल, मतलब आप अपने हिसाब से डाल भी सकते हो, नहीं भी डालो। मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ वाई चाहिए, तो यहां पे वाई आ गया और एंटर। नो डालने की जरूरत नहीं है। एक घंटा ठीक है, टाइम लगेगा ये वो शेयर को लिया, शेयर भी ले लो। बोला ना एक्सेल वाला क्लास। आपने तो वो पहले 70 के बोला नहीं है, ए A1 लिया था, A1 क्यों लिया था मैंने, यहाँ पे A नहीं, A1 नहीं था, यहाँ पे A2 लेना था, माफ कीजिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मुझे रिजल्ट यहाँ पे शो करना है। अगर कोई ग्रेटर देन 80 है या ग्रेटर देन 40 है, जैसे मुझे ग्रेटर देन 40 को पास करना है और बाकी को फेल करना है, तो यहाँ पे लगाए कंडीशन इफ, अगर इसको सिलेक्ट किया कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए पास, नहीं तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट किया, नीचे ड्रैग कर दिया, पास आ रहा है, 85 है, फेल आ रहा है। तो हमने कैसे लगाया, हमने यहाँ पे दिया कंडीशंस, जो लॉजिकल ऑपरेशंस है और लॉजिकल ऑपरेशंस को दिया, यहाँ पे पास, यहाँ पे फेल दिया। क्लियर है?
फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे टैक्स, मुझे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करने हैं। अब टैक्स ये करना है कि अगर लेस देन 50 हुआ तो 2% का टैक्स जाता है, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो 12% का टैक्स जाता है। मतलब कि हमें टैक्स तो निकालना है, हमें मल्टीप्लाई बाई 2%, हमें करना है क्या है कि खाया तो मल्टीप्लाई बाई 2% करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई बाई 12% करना है, कोई एक करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर 500 से नीचे हुआ तो मल्टीप्लाई करना है 2%, और 500 से ऊपर हुआ तो करना है 12%। तो यहां पे हम लॉजिक देंगे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 500 हुआ तो इसमें जो ए टू है, ए टू को मल्टीप्लाई करना है 2% से, ऐसा नहीं हुआ तो ए टू को मल्टीप्लाई करने हैं 12%। ठीक है, सिलेक्ट किया और नीचे एंटर मार दिया। आया समझ में आप लोगों को? अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, वो ही आ रहा है। अभी यहां पे ऊपर में टाइम लिखा हुआ है रात के 8 बजे। अब यहां पे कंडीशन ये है कि अगर हमारा टाइम जो है रात के 8 बजे से होगा तो एनडी मतलब नाइट शिफ्ट, एनएस मतलब नाइट शिफ्ट लगेगा, वरना डीएस डे शिफ्ट। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि हम इफ कंडीशन में टाइम को नहीं लिख सकते इस तरह से कि ये ग्रेटर देन 20, इस तरह से इसके लिखने के लिए टाइम फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। टाइम फिर यहां पे 20,00,00 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको कहीं एक सेल पे लिख लें और उसको रेफरेंस दे दें कि इफ अगर ए ग्रेटर देन होना चाहिए ए, तो यहां पे आना चाहिए नाइट शिफ्ट एनएस, इंतियाज जी क्या कर रहे हो, इतने सारे क्यों खोल रहे हो? इंतियाज जी हेलो सर, इतने सारे लॉगिंग क्यों कर रहे हो आप? एक्चुअली आप आवाज आ रही है? आ रही है बस, वो शो आ रहा था इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने। आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड, आप मोड पे जाओ, सेटिंग के मोड ऑप्शन पे, वहां पे स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन होगा, उसको डाउनलोड कर लो। हाँ, सेटिंग के मोड ऑप्शन पे स्विच टू डेस्कटॉप ढूंढ लो, मिल जाएगा स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन। एनएस आ गया, फिर कॉमा इसको सिलेक्ट किया, इसको बोला कि ये आना चाहिए डीएस। हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर हमारा ए टू की वैल्यू इज ग्रेटर देन सी वन तो एनएस आना चाहिए, अदरवाइज डीएस आना चाहिए। अब इसको नीचे ड्रैग नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं ड्रैग कर सकते? क्योंकि ये नीचे इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। तो ए टू को सी फिक्स है, ए टू को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ड्रैग करना है, हमें फ्रीज करना है किसको? सी एन को। तो हम यहाँ पे एफ फोर प्रेस करके हम सी एन को फ्रीज कर देते हैं, अब इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। इसको ए टू को सी वन तो किया ना हमने फ्रीज, क्योंकि ए टू तो हमें इंक्रीज करना है, नीचे ए थ्री करना है, फोर करना है, फाइव करना है, तभी तो यहाँ पे होगा, वरना फिक्स हो जाएगा। तो ये फिक्स हो गया ना, ऐसे फिक्स हो जाता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग निकालना ना हमें, हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आता है, वो ये आ रहा है। क्या आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल? कि मैं मुझे मुझे यहाँ पे रिजल्ट यूज करना है, हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है देना है पास एंड फेल। क्या देना है? पास एफ रिजल्ट शो करना है। तो कंडीशन ए है कि यहां जो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट है, अगर वो सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 है तो पास हो, वरना फेल है। अब एक इफ में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हो, एक इफ के अंदर में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हो, एक से ज्यादा कंडीशन नहीं लगा सकते। तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं इफ नहीं, यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड एंड
एक से ज्यादा कंडीशन के लिए एंड और लगता है, यहां पे एंड लगेगा। इसको सिलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन क्योंकि सारे मोर देन वन कंडीशन है ना, और आएगा क्योंकि मोर ग्रेटर देन वन कंडीशन यहां पे रिक्वायर है, कि सारे के सारे ग्रेटर देन 40 होने ही चाहिए, समझ गए। यहां पे और कब ले जाए, कोई एक भी ग्रेटर देन 40 होगा चल जाएगा, उस केस में और लगता है। ये सारे कंडीशंस इस तरीके से आप देते चले जाइए। सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग, जो जो कंडीशन ट्रू सेलेक्ट कर रहा है वो ट्रू आ गया, जो कंडीशन सेलेक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है वो आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। और जहां पे ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए तो आप यहां पे रिजल्ट यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो कि यहां पे इफ अगर ये ट्रू है तो यहां पे पास, वरना फेल। यहाँ तो जी आप म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से, जब कुछ पूछना होगा तो म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पास और फेल है। अगर मान लीजिए हमारे पास अपने हिसाब से, मतलब कि ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कि अगर पास और फेल उसी हो रहा है, हाँ तो दोनों को इकट्ठा करना है तो दोनों को मर्ज कर सकते हो। सेलेक्ट किया हमने इसको, कॉपी और यहां पे पेस्ट कर दिया आई के ऊपर। अगर ग्रेड देना हुआ तो आपको, अगर ये ग्रेड यहां देखिए, अगर टोटल रिजल्ट ए होना चाहिए तो सबसे पहले यहां पे कंडीशन देना है कि ए होना चाहिए आपका पास, ठीक है। उसके बाद अगर इतना नंबर आता है तो ए डिवीजन दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आ समझ में, पता चला क्या करना है। तो उसके लिए हमें यहां पे, अब यहां पे कई सारे कंडीशंस हैं तो यहां पे हम एंड नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्लैब है और यहां पे हर किसी के लिए अलग अलग रिजल्ट है। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग रिजल्ट है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, कि यहां पे लगाएंगे इफ अगर ए नॉट, यहां पे अगर ए इक्वल टू फेल हुआ, पहले यहां पे बोल देते हैं अगर फेल हुआ तो यहीं पे आ जाना चाहिए फेल, आगे बढ़ेगा ही नहीं। हमने पहली कंडीशन लगा दिया कि अगर फेल है तो पहले ही फेल आ जाएगा, उसके बाद हम दिया इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 200 है तो भी फेल आएगा, या कुछ और करना चाहते हो तो कुछ और कर लो। फिर कंडीशन कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 300, सॉरी अगर ए लेस देन इक्वल टू 300 है तो यहां पे आना चाहिए थर्ड डिवीजन, ठीक है। देन इफ पास है डिवीजन शुरू करने हैं, अगर ए लेस देन इक्वल टू 400 हुआ तो देना है सेकेंड,
ठीक है, देन अगेन इफ कि अगर ए लेस देन इक्वल टू को 400 तो देना है फर्स्ट, तो ग्रेटर देन माफ कीजिए, तो कंडीशन क्या है, कहीं समझ में आया आपको? फेल फेल फेल, जहां पास होगा वहां पे सेकेंड फर्स्ट। तो मैंने कंडीशन दिया कि अगर जे टू इज इक्वल टू फेल है तो यहीं पे फेल शो कर दो और बाकी को इग्नोर कर दो, क्योंकि हर इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में, आप देख रहे हैं कि हर इफ दूसरे इफ के किस में, फॉल्स पार्ट में। यहां पे सेम, यहां पे सेम, आप लोगों को समझ में आया सर? यस सर, समझ आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे यहां पे इंसेंटिव देने हैं, क्या देने, इंसेंटिव मतलब कि ए सेल्स है और इस सेल्स के बिहाब पे मुझे इनकी इंसेंटिव शो करनी है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर सेल इज, अगर सेल जो हमारा है, अगर सेल हमारा 40 से नीचे, 0 से 40 के बीच में हुआ, 0 से 40 में भी 40 के बीच में हुआ तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें देना है यहाँ पे 500। अगर 41 से 60 के बीच में हुआ तो देना है 1000, 61 से 100 के बीच में देना है तो देना है हमें 1500, ऐसे ही ग्रेटर देन पे 5000। अब यहाँ पे क्या है कि स्लैब वाइज, यहाँ पे देखिए हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, ठीक है, तो यहां पे हम स्लैब इंसेंटिव जो कि अभी से पहले थर्ड डिवीजन के लिए लगाया था वही लगाएंगे। हाँ देंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे आना चाहिए 500। ठीक है, तो यहां पे अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू है 60 तो होना चाहिए 1000। अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू है 100 तो होना चाहिए 1500। इफ अगर ए ले ग्रेटर देन 100 है तो होना चाहिए 5000। अब इसमें देखिए आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, समझा दूंगा मैं आपको। नो सर, ओके ओके। कविता जी कोई डाउट आपको? नो सर, इट्स फाइन। एंटर मारते और फिर इसको सेलेक्ट करते, रिजल्ट आ गया। लेकिन मुझे एक प्रोमोशनल इंसेंटिव देना है कि जो 85 टू 95 उनको 800 रुपीज़ का एक प्रोमोशनल इंसेंटिव देना है।
तो यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे क्या है, यहां पे मुझे बिटवीन है, क्या है बिटवीन है आपका, तो इसके लिए लगाएंगे इफ, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड, यहां पे दो कंडीशंस है, दोनों रिक्वायर है, तो एंड लगाएंगे, बोलेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 95, ऐसा हुआ तो यहां पे आएगा 800, नहीं तो यहां आएगा 0, सेलेक्ट किया एंटर मार दिया। सर आप फर्स्ट वाले रो में जो आपने फॉर्मूलाज लगाए थे जहाँ पे 300 500 आया था, यहाँ पे आपने जो लास्ट इफ कंडीशन है इसके अंदर ए टू शुड बी ग्रेटर देन 100 देन द पर्सन विल रिसीव द 5000, इसमें आपने फॉल्स के लिए कुछ और कंडीशंस नहीं सिलेक्ट किया, क्या मतलब? So, is it logical? I mean, basically false के लिए इसलिए नहीं, false के लिए मैंने इसलिए कुछ नहीं सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हर किसी नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, ओके कोई ऐसा नंबर बताइए जिसके लिए कुछ ना मिले, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज़ जीरो तक के लिए डिफाइन है, हाँ जीरो से लेके अनलिमिटेड नंबर तक लिखी है, तो यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे जो है ना ये हमने इसकी फॉल्स क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रेटर देन 100 ही आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है, तो फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, फॉल्स की कंडीशन बनी नहीं रही है। तो सर ऐसा हम किन केसेस में कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे कि इस तरीके की मल्टीपल कंडीशंस हो या फिर स्लैब, जहाँ पे स्लैब आए, ओके जहाँ पे स्लैब्स आएंगे, हाँ और जहाँ पे स्लैब्स टुकड़ों में आए वहाँ पे हम इस मेथड की यूज करेंगे, जैसे कि 80 के 90 के बीच में, 90 से 40 के बीच में, तो वहाँ पे इस मेथड के यूज करेंगे एंड इफ के साथ। और सर इसमें आपने एंड जो एंड कंडीशन यूज की है वो लॉजिकल टेस्ट पे आई है, एंड नेक्स्ट जो दूसरी आई है वो दूसरी सेकंड और थर्ड फंक्शन है ट्रू और फॉल्स वाला। हम देखिए क्या है बताता हूँ आपको कि एंड को मैंने दो कंडीशन दी है, देखिए दो कंडीशन एंड को मैंने दे दी, एंड अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इफ को देगा ट्रू या फिर फॉल्स, अगर इफ को ट्रू मिला तो 100 शो करेगा वरना 0 शो करेगा। सर आपने कैसे जज किया कि आपको एंड कंडीशन यूज करनी है? बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं है, हमारे यहाँ पे जो देना है बिटवीन है, यहाँ पे क्या बिटवीन, जहां पे बिटवीन होता है वहां पे एंड हमें लगाना ही पड़ेगा। ओके और का कंडीशन हम कब यूज करेंगे? और का कंडीशन होगा, हाँ नहीं और का कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास और की आ रही है, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक आईडी प्रूफ का कॉलन है, ठीक है यहाँ पे जो है एंड कंडीशन, और यहाँ पे और है कि दो आईडी प्रूफ का कॉलन है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 चार कॉलन है, चार कंडीशन है, अब इस चार कंडीशन में क्या है कि इसमें से चारों में से कोई एक होगा, चारों में से कोई एक होगा, चारों नहीं होगा, ठीक है, या चारों भी हो सकता है, अगर किसी ने एक माना कि वोटर आई कार्ड पेन कार्ड डीएल पासपोर्ट कोई एक भी सबमिट कर दिया उसका आईडी प्रूफ माना वैलिड माना जाएगा, अगर नहीं किया तो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या लगाया और लगाया, यहाँ पे क्या है कि कंडीशन तो मल्टीपल कंडीशन तो है मेरे पास, मोर देन वन कंडीशन तो है, लेकिन सारे कंडीशन रिक्वायर नहीं है, एनी वन मोर देन वन चॉइसेज है, तो जहां पे चेकबॉक्स सिस्टम है वहां पे और आएगा, जहां पे रेडियो बटन सिस्टम है वहां पे एंड आएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया कि B2 इक्वल टू Y, C2 इक्वल टू Y, D2 इक्वल टू Y एंड E2 इक्वल टू Y, सारे Y है, इसमें से कोई एक भी Y मिल गया तो ट्रू आएगा, एक ही मिल गया, एक से ज्यादा मिल गया तो भी ट्रू आएगा,
अगर कुछ नहीं आया तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे पेंडिंग इफ लगा दिया कि अगर ये ट्रू है तो ओके है, वरना पेंडिंग है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है कि मेरे यहाँ पे एक पैन कार्ड और पैन कार्ड कंपल्सरी है, और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड और दोनों बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या फीचर लगाया, हमने यहाँ पे लगाया पहले एंड के अंदर में दिया कि पैन कार्ड इज इक्वल टू वाई, बी टू इक्वल बी बी एट इक्वल टू वाई। फिर मैंने और भी अंदर बोला, और के अंदर में बोला कि यहाँ पे कि इन में से तीन कंडीशन दिए, जैसे वोटर आई कार्ड दे दिया इक्वल टू आई, फिर डी एल इक्वल टू आई, ये हमारे के पासपोर्ट इक्वल टू आई, इन तीनों में से कोई एक हुआ। जब ये चलेगा तो और अपना कंसिडर फॉलो करेगा, और को एक भी ट्रू मिला तो ट्रू देगा। अगर ये ट्रू दिया और ये भी ट्रू दिया तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो फॉल्स आएगा है ना, फॉल्स कोई एक भी नहीं है यहाँ, एक जगह एस है तो भी फॉल्स है, दोनों जगह एस होना चाहिए ना। पैन कार्ड में नहीं है तो फिर फॉल्स आएगा, फॉल्स ही आएगा। पैन कार्ड कंपल्सरी, पैन कार्ड है किस में, एन वाले में ना, पैन कार्ड और से बाहर है, पैन कार्ड और से बाहर है, और के अंदर में नहीं। तो फिर नहीं कर सकते ना लॉजिकल ऑपरेटर, एक बार में एक ही कर सकते हो ना, कई सारे हैं ना ये, तो यूज तो लॉजिकल ऑपरेटर ही हुआ है ना यहाँ पे, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज हुआ है ना, इक्वल तो ऑपरेटर में आता है ना। एक काम करता हूँ, ये फाइल आप लोगों को मैं मेल कर देता हूँ, एक बार इसके सारे एग्जाम्पल खुद करके देखिए, कल इसकी एडवांस चीज़ों पे हम डिस्कस कर लेंगे, और आपका एक टेस्ट, इस पे एक टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक सर, ठीक है ना, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके।